हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। देखिए, मुझे पता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग जो है वो अभी रेड जोन में फंसे हुए हैं। काफ़ी सारे जो लोग हैं उनके घरों के पास अभी कोरोना केसेस है। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका जो सेंटर है नीट का वो 200-250 किलोमीटर दूर है, तो वो लोग कैसे जाएंगे एग्ज़ाम देने। इन सारे सवालों के बीच जो है HRD मिनिस्टर ने एक अनाउंसमेंट करा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह से जो है एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हो सकता। अभी अनाउंसमेंट कब हुआ है और कैसे हुआ है ये आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये जो वीडियो है जो HRD मिनिस्टर खुद कह रहे हैं, ये जो रियल जो प्रूफ है, मैं आपको कोई बकवास बात नहीं बता रहा हूँ, इस चैनल पर सिर्फ रियल बात ही होती है। तो आपको वो वीडियो देखने मिलेगा इस वीडियो के लास्ट पार्ट में, जहाँ के जो लास्ट पार्ट है इस वीडियो के 10 मिनट जो है वो उसी वीडियो को दिखाते हैं कि उस वीडियो में दिखाया गया कि HRD मिनिस्टर किस तरह से बता रहे हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम लेंगे। और अभी अभी जैसे कि आपको पता होगा कि MHRD ने पहले नोटिस रिलीज़ करा था, MHRD का जो नोटिस था, तो MHRD ने कन्फर्म कर दिया था कि एग्ज़ाम जो है होने वाला है, पर जो है NTA का अभी तक नोटिस नहीं आया था। तो NTA ने भी जो है कन्फर्म नोटिस निकाल दिया है नीट के लिए कि नीट एग्ज़ाम होने वाला है। ये दो स्टेप हुए थे। उसके बाद अब जो है तीसरा जो स्टेप था वो कि जो HRD मिनिस्टर खुद आके एड्रेस करे कंट्री को और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको एड्रेस करे, तो वो अब स्टेप भी हो चुका है। खुद HRD मिनिस्टर ने आके जो है कन्फर्म कर दिया है। अब जब लाइव जो है वो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी और जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था TV पे, तो उन्होंने लाइव बोला है कि जो है एग्ज़ाम किसी भी तरह से पोस्टपोन नहीं हो सकती। और जब उनसे पूछा गया कि अगर किसी भी कंडीशन में जुलाई में बहुत ज़्यादा कोई केसेस आ जाते हैं कोरोना के, या फिर कोई और कंडीशन क्रिएट हो जाती है, कोई भी पैंडेमिक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में आप क्या करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा है कि अभी हम उसके लिए भी प्रिपेयर्ड है और जो भी एक्शन रिक्वायर्ड होगा वो हम करेंगे। जितने भी हमारे बच्चे हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन सबकी सेफ्टी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी स्टेप्स आप सोच सकते हैं वो सब आपके लिए सरकार करेगी। पर मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था सरकार से कि एक बार अगर हमारा ओपिनियन भी ले लेते स्टूडेंट्स का कि एग्ज़ाम कब करानी है, एग्ज़ाम कैसे होने वाली है, तो हम लोग भी आपको कुछ लॉजिकल आपको कंट्रीब्यूशन दे सकते थे। पर कभी भी हमारे साथ ऐसा ट्रीटमेंट नहीं हुआ, स्टूडेंट से कभी उनकी राय नहीं पूछी गई, सिर्फ एक डिक्लेरेशन दे दिया गया बच्चों को कि आपकी एग्ज़ाम जो है जुलाई में होने वाली है, आपकी जुलाई में एग्ज़ाम होने वाली है, आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, भले ही आपके पास मटेरियल है या नहीं है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। NTA ने ऐप निकाल दिया, NTA ऐप, जिसमें कि आप जो है मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अब एक 38 MB की ऐप से आप जो है कितना पढ़ाई कर सकते हो आप खुद ही बता दो। तो सरकार को लगता है कि नीट की प्रिपरेशन इतनी ईजी है कि सिर्फ ऐप से पढ़ने में उनकी जो है सारी प्रिपरेशन